के बाद बात करेंगे इस थीम का रूट में, जैसे एक एक करके हम डिस्क्रिप्शन हुआ था यहाँ पर भी करेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे, ये प्लांट का वह पार्ट है जो डेवलप होता है प्लूमूल से और अगर अदर पार्ट से भी ग्रो करता है, बट हमेशा फोटोट्रॉपिक होगा, नोड इंटर नोड होगा, टर्मिनल बड होगा, एक्जिलरी बड होगा, और ये जो होता है ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपिरेशन करता है, फूड को स्टोर करता है। तो ये कह सकते हैं असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट है। तो इसको मैं ऐसे डिफाइन किए हैं, पार्ट ऑफ प्लांट भी डेवलप फ्रॉम प्लूमूल ऑफ एम्ब्रियो और फ्रॉम अदर पार्ट्स, ऑलवेज बियर टर्मिनल बड्स, बियरिंग लीव्स एंड अदर पार्ट्स लाइक फ्लावर फ्रूट्स एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिक इज स्टेम। ये जो होता है कैरेक्टर की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर हम तो ये एक एम्ब्रियो है, इसका ये रेडिकल है, ये इसका प्लूमूल है और ये इसका कॉटिलीडन है। तो प्लूमूल ही स्टेम के रूप में डेवलप करता है और ये अगर डेवलप करेगा तो जब ये पूरा ग्रो करता है बर्ड कंडीशन में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन इसमें एक एपिकल बर्ड होगा यानी टर्मिनल बर्ड, लीफ जहाँ से निकलता वहाँ एक्जिलरी बर्ड होगा, जहाँ पर लीफ ग्रो करता वो इसका नोड होगा, दो नोड के बीच में इंटर नोड होता है। तो ये इसका एग्जाम, इसका एक कैरेक्टर है, यानी इसमें ब्रांचेज निकलेगा। तो ब्रांचेज जो होगा वो हमेशा इसके बाहरी रीजन से निकलता है, टिक्सो जीनस है, नॉर्मली हेयर्स नहीं पाया जाता, अगर होगा तो वो हमेशा मल्टी सेलुलर होगा और वो नॉर्मली जीरोफाइटिक प्लांट वगैरह में पाया जाता है। ये जो होता है चूँकि सनलाइट की ओर ग्रो करता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरोध में, तो इसको हम निगेटिव जियोट्रॉपिक कहेंगे और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कहेंगे। बहुत सारा स्टेम जो है वो सॉइल के अंदर होता है, बट वो स्टेम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नोड इंटर नोड पाया जाता है। तो नॉर्मल कैरेक्टर जो इसका है, असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस, इट ग्रो फ्रॉम प्लूमूल ऑफ एम्ब्रियो और फ्रॉम अदर पार्ट, जैसे कोई अगर ब्रांचेज है उसको हम तोड़ करके लगा देते हैं ग्रो कर जाता, तो वहाँ तो हम ये नहीं कहेंगे कि प्लूमूल से ग्रो किया, वहाँ पर अगर नोड है तो नोड से वो ग्रो किया, तो इसलिए यहाँ पे हमने वर्णन किया अदर पार्ट्स। ये जो होता है इसका जो ग्रोथ होता है वो हमेशा ग्रोथ इसके टर्मिनल बर्ड के कारण होता है, टर्मिनल बर्ड फ्लोरी स्प्रेड करेगा और वो एक ब्रांचेज के रूप में डेवलप कर जाएगा, और जब वो डेवलप करेगा तो उसमें नोड इंटर नोड क्लियर होगा। नोड नोड को हम हिंदी में गांठ कहेंगे, दो गांठ के बीच में जो होता है वो इंटर नोड होता है, जहाँ से नोड होगा वहाँ पर लीफ होगा, लीफ जो होता है एक्सोजीनस इन ऑरिजिन होगा, और इसके लीफ के बगल में जैसे यहाँ पे अगर हम देखें लीफ के बगल में यहाँ पे एपिकल एक्जिलरी बर्ड होगा, और ये जो ऊपर में जो ये जो बर्ड्स हैं ये हमेशा आगे की ओर ग्रो करेगा, उसको हम टर्मिनल बर्ड्स कहेंगे। ये सनलाइट की ओर ग्रो करता है इसलिए पॉजिटिव, इसको फोटोट्रॉपिक कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल अगेंस्ट है तो इसको निगेटिव जियोट्रॉपिक कहेंगे। ब्रांचेज अगर निकलेगा तो एक्सोजीनस होगा, एक्सोजीनस का मतलब रूट की बात किए थे तो अंदर से निकल रहा था उसका ब्रांचेज, यहाँ पे क्या होगा इसके एपिडर्मल लेयर से निकलेगा। अगर हेयर होगा तो हमेशा मल्टी सेलुलर होगा, ये ट्रांसपिरेशन करेगा अगर लेंटिकल्स है, ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा अगर इसमें फूड मटेरियल जमा है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए, ये फोटोसिंथेसिस करेगा अगर ग्रीन है। नॉर्मली क्या होता है शुरुआत में ये ग्रीन होता है और जैसे जैसे वो मैच्योर करता है वो ब्राउनिश कलर का होता चला जाता है। ये इसमें हेयर होगा तो ये इसमें यूनिसेलुलर हेयर होगा रूट में, तो यहाँ पे जो हमेशा ये होगा इसका जो हेयर होगा वो मल्टी सेलुलर होगा। अगर हम रूट से तुलना करें तो रूट है रिसेंडिंग पार्ट या असेंडिंग पार्ट, या रेडिकल से डेवलप कर रहा है प्लूमूल से। इसमें क्या होता है रूट में जो बर्ड्स निकलता है यानी कि उसका जो ग्रोइंग पॉइंट्स है वो पूरा टर्मिनल नहीं होता, सब टर्मिनल होता है रूट का, और यहाँ पे क्या होता है हमेशा टर्मिनल एपेक्स होता है। इसमें एक ब्रांचेज एक्सोजीनस, यहाँ पे एक यहाँ एक्सोजीनस तो यहाँ इंडोजीनस, यहाँ यूनिसेलुलर हेयर तो यहाँ मल्टी सेलुलर हेयर, यानी ऑन द होल अगर हम बात करें तो एक स्टेम जो होता है वो प्लांट का वह पार्ट है जो एरियल पार्ट है, और ये एक ऐसा पार्ट है
जो दूसरे पार्ट को सहारा देता है, प्रॉपर पोजीशन देता है, लीफ को प्रॉपर पोजीशन देगा, उससे फ्लावर निकलेगा उसको प्रॉपर पोजीशन देगा, उससे फ्रूट्स निकलेगा उसको प्रॉपर पोजीशन देगा, फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट भी करेगा और वो फूड वगैरह स्टोर भी करता है। तो ये जो पार्ट है इसका हम आगे अगर वर्णन करेंगे वन बाई वन, जैसे रूट का हमने एक एक करके किया था तो उसी तरह स्टेम का करेंगे। ये जो टॉपिक चल रहा है आपका मॉर्फोलॉजी का, इसमें रूट के बाद स्टेम है, फिर लीप है। इसके पहले हम प्लांट किंगडम किए थे, तो एक सीरियल्स में हम पूरा वीडियो बनाते चले जा रहे हैं। अगर आपको देखना होगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। तो इससे होगा क्या कि आपको एक सीक्वेंस मिलेगा और आप आराम से एक ओवरव्यू तो आपको ज़रूर ही मिल जाएगा। थैंक यू।